हेलो स्टूडेंट, डी एंड जैकेट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर वन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है देखिए, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मीन्स आपको क्या करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ पॉइंट में डेसिमल के बाद में वन डिजिट तक नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको पॉइंट के बाद में थ्री डिजिट देके रखे, तो अब थ्री डिजिट देके रखे हमारे पास में, तो इसको हम कैसे विजुलाइज करेंगे नंबर लाइन पर, और वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की सहायता से। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको हम बता देंगे कि नंबर लाइंस में कैसे डिवाइड होता है नंबर्स। ठीक, तो हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो 3.7 है वो किसके बीच में आएगा, तो हम ये देख रहे हैं कि 3.7 जो आएगा हमारे पास में 3 और 4 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 और 4 के बीच में हमारे पास में क्या होगा कि उसमें 10 नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। अब 10 मिलीमीटर होता है तो वैसे ही हमारे पास में क्या होता है, 3 और 4 के बीच में भी 10 लाइंस होती है। मींस 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 से लेकर 3.9 तक होते हैं। क्लियर हो गया, तो उसी टाइप से हम यहां पर सॉल्व करेंगे या नंबर लाइन को लेंगे। तो हम नंबर लाइन को ले रहे हैं जैसे कि यहां पर, तो नंबर लाइन को लेने के लिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहां पर डायरेक्टली 3 ले रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट 4 ले रहा हूं मैं। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखिए नंबर लाइन तो मैंने आपको बताया है, जैसे कि नंबर लाइन जो होगी वो नंबर लाइन का जो मिडिल पॉइंट होता है 0 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे। तो मैंने क्या किया कि इसको बीच में से डायरेक्टली ले लिया 3 और 4 को, हम इधर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर 0 भी ले सकते हैं, इधर नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर। ठीक, बट हमको यहां पर नंबर लाइन पर शो करना है, उसके लिए मैं आपको इस टाइप से इसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए यहां पर मैंने क्या बताया कि 3 और 4 के बीच में कितनी लाइन होंगी, 10 अकॉर्डिंग टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो यहां पर क्या होगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके बीच जो डिस्टेंस लोगे, ये जो डिस्टेंस लोगे वो 1 सेंटीमीटर का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास में क्या हो गया, 3.765 को डिनोट करना है हमको, तो 3.7 तो आपको मिल गया, बट आपको 765 भी बताना है। तो ये क्या होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में हमको क्या मिलेगा, 3.76 भी मिलेगा हमको, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास में डिजिट भी हमारे बढ़ते जाएंगे। मीन्स हमने स्टेप वन में क्या सॉल्व किया, स्टेप वन में हमने जो सॉल्व किया है वो ये किया हम लोगों ने कि 3 और 4 के बीच हमने कितने नंबर्स फाइंड करे, 10, और 10 नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए, 3.7 और 3.8 हमको मिल गया इन 10 नंबर में। तो हमको अब आगे बढ़ना है, 6 पे जाना है, तो स्टेप सेकंड लेनी पड़ेंगे हमको। अब देखिए स्टेप सेकंड में हम क्या करने वाले, स्टेप सेकंड में हमको अब ये जो नंबर मिलेगा 76 कैसे आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में क्या होंगे हमारे पास में, इन्फिनिटली नंबर्स होंगे, इन्फिनिटली रेशनल नंबर्स होंगे, उस टाइप से आप समझ सकते हो। तो इनके बीच नंबर इन्फिनिटी हो सकते हैं, आप जितना डिवाइड करते जाओगे, जितना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की सहायता से सॉल्व करोगे उतने ज्यादा नंबर्स हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए देखिए हम एक और स्टेप सेकंड में एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए अब हमको किसके किसके बीच बताना है, 3.7 एंड 3.8 के बीच में। अब 3.7 और 3.8 के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे, 10 अकॉर्डिंग टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, चलो कैसे स्टार्ट होगा, 3.7 है तो 3 पॉइंट कैसे स्टार्ट होगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और फिर कितना जाएगा पास में, 3.8 आ जाएगा। ठीक, यहां पर 3.80 आएगा समथिंग, तो हमारे पास 3.80 को आप 3.8 लिख सकते हो ना, यस, क्योंकि डेसिमल का जीरो होगा, कोई भी मीनिंग नहीं। चलो आगे बढ़े,
अब हमने क्या किया, 3.76 फाइंड कर लिया स्टेप टू में नंबर लाइन पर। देखिए 3. क्या है हमारे पास में, 76 आ गया, ये देखिए आ गया। अब हमको आगे और बढ़ना है, 5 भी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमको वो 5 कहाँ मिलेगा, 3.765 इन दोनों नंबर्स के बीच में, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे। ठीक, अब 10 नंबर्स होंगे तो हम उसके लिए कौन से स्टेप लेंगे, स्टेप थर्ड। चलो स्टेप थर्ड में हम देखते हैं, तो स्टेप थर्ड में भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच बताना है, 3.76 एंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3.77 के बीच। इसके बीच में भी कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो आगे बढ़ते हैं, 3.76 यहां पर देखे रखा, तो 76 क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 3.762। ये 1 से स्टार्ट क्यों रखे, देखिए जैसे यहां पर 3.3 था तो 3.1 हो गया, फिर 3. क्या हो गया हमारे पास में, 7.1, फिर 3.76 है तो 7.61 होगा। ठीक, 7.62, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, 3.767, 7.68, 3.769, फिर 3.77। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास में क्या हुआ कि अब हमको क्या विजुलाइज करना था नंबर लाइन पर, 3.765, तो 3.765 हमको ये मिल गया, और वो कौन सी स्टेप में मिल गया हमको, स्टेप थर्ड में ही फाइंड हो गया। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हमको फाइंड हो गया, मींस हमको जो नंबर लाइन पर डिनोट करना था क्या, 3.765, तो हमने क्या किया, विजुलाइज करके बता दिया हम लोगों ने। पहले हमने विजुलाइज कैसे किया, 3 और 4 का विजुलाइज किया, तो उसके बीच 10 नंबर्स थे। फिर हमको क्या मिला, 3.7 और 3.8 के उसका विजुलाइज किया, तो कितना हमारे पास में, उसको हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के साथ सॉल्व किया, तो उसके बीच भी 10 नंबर मिले। फिर हमने क्या देखा कि 3.76 और 3.77 के बीच में 10 नंबर्स होंगे, तो उसको भी हम लोगों ने क्या किया, उसको भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किया हम लोगों ने उसका। ठीक, तो यहां पर हमको फाइनली क्या मिल गया, 3.765, और हमको यही नंबर लाइन पर डिनोट करना था। तो देखिए हमारे पास में क्या कर सकते हैं हम लोग, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स हम बता सकते हैं, वो भी हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की सहायता से। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास में, हम इसको लॉन्ग में हमने इसको समझा, एक्चुअल में ये बहुत ही अंदर नंबर्स होते हैं, मतलब कि गहराई में नंबर्स होते हैं, लेकिन हमने इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की सहायता से इसको शो किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं।